वेलकम, जय हिंद। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द फैक्टर। तो आज का वीडियो दो स्पेशलिस्ट क्रिकेटरों के बारे में है, पहला रोहित शर्मा और दूसरा भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल। जी हां, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। तो पहले हम बात करते हैं युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के बुधवार को बनाए गए अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में। जी हाँ, न्यूजीलैंड और भारत के बीच हैदराबाद में खेला गया पहला ओडीआई मुकाबला, जिसमें भारत ने पहले तो टॉस जीता और उसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 रनों से मैच भी जीत लिया। और इस मैच में शुभमन गिल ने अपना पहला दोहरा शतक जमाया, जिसकी बदौलत भारत ने 349 रनों का एक विशाल स्कोर न्यूजीलैंड टीम के सामने रखा। शुभमन गिल ने इस मैच में बनाए टोटल 4 रिकॉर्ड्स। पहला रिकॉर्ड बनाया उन्होंने सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का। दूसरा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में सबसे अधिक 208 रन बनाने का। तीसरा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने सबसे कम केवल 19 पारियों में 1000 रन पूरा करने का। और चौथा रिकॉर्ड इस प्रकार से बना कि उन्होंने हैट्रिक छक्का लगाते हुए अपना दोहरा शतक पूरा किया। गिल पहले ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अपना दोहरा शतक हैट्रिक छक्का लगाकर पूरा किया है। वैसे आप चाहो तो उस बॉलर का नाम कमेंट में बता सकते हो जिसे गिल ने 49वें ओवर में हैट्रिक छक्का लगाया था। तो भाई, ये थी शुभमन गिल की कहानी। और अब बात करते हैं हिटमैन नाम से मशहूर रोहित शर्मा के उस मैच में बनाए गए रिकॉर्ड्स के बारे में। रोहित शर्मा ने जैसे ही इस मैच में पहला छक्का जड़ा तो वे भारत में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। जी हाँ, उनसे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व कप्तान MS धोनी सर के नाम था, जिन्होंने भारत में टोटल 123 छक्के लगाए थे, जिसे रोहित शर्मा ने 124वां छक्का लगाते हुए वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अब वीडियो को खत्म करते हुए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।